दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दिल्ली में बारिश के कारण कई जगह पर सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं और अब उन पर युद्ध स्तर पर काम करने की आवश्यकता है और इसके लिए आज ऑल मिनिस्टर मीटिंग भी बुलाई गई है। वहीं आपको बताते चले आगे उन्होंने यह भी जानकारी दी कि दिल्ली में कानून व्यवस्था की इतनी खराब स्थिति कभी नहीं रही। आज आप किसी भी बिजनेसमैन की पार्टी में जाएं तो पाएंगे कि 100 से 80 लोग रंगदारी के शिकार हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा आप सुनिए। दिल्ली के अंदर इस तरीके की बदतर कानून व्यवस्था कभी भी नहीं थी। आज अगर आप किसी भी बिजनेसमैन की पार्टी में चले जाएं जहां पे कुछ व्यापारी लोग हों, 100 लोगों से बात कीजिए, 80 लोगों ने दिल्ली में रंगदारी दी है। ये मैं आपको तथ्यों के आधार पर बता रहा हूं। आप किसी भी व्यापारियों की मीटिंग में चले जाइए, 100 लोग होंगे तो 80 लोग दिल्ली में आज रंगदारी दे रहे हैं। दिल्ली की ये हालत हो गई है, लोग गैंगस्टर का नाम लेने से डर रहे हैं। आप उनसे पूछिए कौन सा गैंग था, वो नाम ही नहीं ले पाएगा, वो इतना डरा हुआ है। ये जो नाम मैंने आपको बताए, गोल्डी ब्रार, दीपक बॉक्सर, इन लोगों के नाम लेने से लोग कांप रहे हैं। इनके नाम से लोगों को कॉल आ रही है, इंटरनेशनल कॉल। कभी पाकिस्तान का नंबर बताया जाता है, कभी दुबई का नंबर बताया जाता है, कभी यूएस का नंबर बताया जाता है। इंटरनेशनल कॉल आती है, कॉल पे धमकी दी जाती है और बताया जाता है इतना पैसा दे दो वरना मार देंगे, और व्यापारी चुपचाप ये पैसा इन गैंगस्टरों के हवाले कर रहे हैं। ये हालत दिल्ली के अंदर है, इतना डर आज दिल्ली के अंदर बैठा हुआ है। और जो लोग रंगदारी नहीं दे रहे हैं उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं, डराया जा रहा है, और तब भी नहीं मान रहे तो हत्याएं की जा रही हैं। एलजी साहब, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के विषय में रोज टिप्पणी करते हैं, ये ऐसे नहीं हुआ, ये ऐसे नहीं हुआ, इसको ऐसे करना चाहिए। दिल्ली की चुनी हुई सरकार के जहां काम होंगे, जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमारे विधायक है सुरेंद्र कुमार जी, उनके यहां कोई काम होना था, फ्लड इरिगेशन को काम करना था, सड़क बनाने का, उन्होंने उद्घाटन कर दिया। अगले दिन एलजी साहब पहुंच गए सारे अफसरों के साथ अखबार में फोटो छपवाने के लिए कि यहां काम नहीं हो रहा, मैं काम कराऊंगा। जो काम फ्लड इरिगेशन का है, पीडब्ल्यूडी का है, उसके अंदर एलजी साहब दखल दे रहे हैं कि वो मैं कराऊंगा, जबकि वो काम उनका नहीं है। और जो काम एलजी का है, लॉ एंड ऑर्डर देखना, पुलिस व्यवस्था देखना, उसकी हालत आज दिल्ली की सबसे बदतर हो गई है, उसके अंदर एलजी साहब को कोई इंटरेस्ट नहीं। दिल्ली खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश से कहीं जल भराव है तो कहीं पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। आपको बताते चलिए इसी कड़ी में शहर स्थित शक्ति नगर में पूरा इलाका टापू में तब्दील हो गया है और यहाँ के लोग अपने घरों में कैद होने के लिए मजबूर हैं। तो वहीं प्रगतिपुरम, गल्ला मंडी और आजाद नगर जैसे इलाके की स्थिति भी काम्बो बेश जैसी हो गई है। और ऐसे में आपको बताते चले कि उधर लगातार बारिश के चलते बांदा बहराइच मार्ग पर पेड़ गिरने से आवागमन पूरे तरीके से बाधित हो गया। तो वहीं गुरबख्शगंज थाना इलाके के कोरिहार गांव में आकाशीय बिजली गिरी है। हालांकि यहां कोई हताहत की खबर सामने नहीं आई है। उधर लगातार जो है बारिश के कारण जगह जगह की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं, जहां पर आपको बताते चले कि रायबरेली में बीते 48 घंटे से लगातार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता ओमशंकर शुक्ला जी जुड़ गए हैं। तो ओमशंकर जी, लगातार बारिश हो रही है, आवागमन पूरे तरीके से ठप हो चुका है, क्या कुछ वर्तमान स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, लगातार 48 घंटे से हो रही बारिश के कारण जो है उस पूरे शहर की सूरत बदल गई है।
सड़कें जो है वो दरिया में तब्दील हो चुकी हैं, जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं, पेड़ गिर रहे हैं हाईवे पर और पूरा जनजीवन जो है ये लेकर अस्त व्यस्त हो चुका है। आपको बताते चले कई जगह आकाशीय बिजली गिरने की भी सूचना आई है जिसमें कि महिला समेत कई लोग घायल भी हुए हैं। तो निश्चित ही मूसलाधार बारिश जो है वो रायबरेली जनपद के लोगों के लिए जो है वो एक आफत लेकर आई है। जी ओम शंकर शुक्ला जी, मुख्य तौर पर कौन कौन सी जो जगहें हैं वो प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि देखिए लगातार जो जलस्तर है वो भी नदी नाले उफान पर हैं और सड़कें भी जो है पूरे तरीके से लबालब नजर आ रही हैं। तो रायबरेली में कौन कौन से ऐसे सड़कें हैं जो जल की वजह से जल भराव के कारण प्रभावित हो रही है? जी शहर के मुख्य मार्ग में जैसे जिले का एक रालाबेनी माधव जिला अस्पताल है, अस्पताल परिसर में पूरी तरह से पानी भर गया। वही सत्य नगर हो, निराला नगर हो, शक्ति नगर हो, आजाद नगर हो, जो शहर के प्रमुख टाउन हो, इन मोहल्लों में पूरी तरह से जलभराव है और लोग जो है अपने घरों में कैद रहने को मजबूर है। सबसे बड़ी समस्या रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले को है, जैसे ई रिक्शा वाले है, जो रेहड़ी पट्टी के दुकानदार हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि भारी बारिश के बीच उनकी दुकानें न लगने के कारण जो है उनके पास भी खाने पीने का एक संकट पैदा हो गया। जी भारी बारिश के कारण जो है किसानों को भी परेशानियां होती नजर आ रही है क्योंकि फसलें जो है इससे प्रभावित हुई है, तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है ओमशंकर शुक्ला जी? जी बिल्कुल, खेतों में धान की फसल भी लगभग पक गई है और जहाँ कटने की तैयारी हो रही है वही जो है इस तरह की एक साथ जो लगातार 48 घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है, इससे फसलों को भी बड़ा नुकसान हुआ है, जिससे अन्नदाता के माथे पर चिंता की लकीरें हैं और उसके सामने जो है वो खाने पीने का भी एक बड़ा संकट सामने आता दिख रहा है। ठीक है ओमशंकर शुक्ला जी, आप अगली खबर के लिए भी हमारे साथ बने रहे। अगली खबर का रुख करते हैं जो कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली से ही है। आपको बताते चले कि रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर किसान पर बिजली आकाशीय बिजली गिर गई है और जिसकी चपेट में आने से किसान की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं आपको बताते चले कि किसान की मौत के बाद पूरे परिवार के बीच कोहराम मच गया है। किसान की मौत से जो परिवार है वो पूरे तरीके से दुख में व्याप्त हो गया है। आपको बताते चले कि किसान की पहचान भी की जा चुकी है जिसमें रतिपाल उम्र तकरीबन 55 वर्ष की दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बताते चले कि आकाशीय बिजली के कारण किसान की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। आपको बता दें कि ऊंचा हार कोतवाली क्षेत्र के उस रैना की गांव की पूरी यह घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से अभी हमने आपको जानकारी दी कि रायबरेली में लगातार बारिश हो रही है और इसी बीच जिस तरीके से यह घटना सामने आई है यह बेहद ही दुखद है, जिसमें कि आपको बताते चले कि लगातार हो रही बारिश के कारण आकाशीय बिजली के गिरने के कारण एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई है और मौत की खबर के बाद पूरे परिवार के बीच कोहराम मच गया। आपको बताते चले कि ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के उस रैना गांव की है पूरी घटना बताई जा रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ रायबरेली से ओमशंकर शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। तो ओमशंकर शुक्ला जी, जिस तरीके से आपने अभी जानकारी दी कि लगातार रायबरेली में बारिश हो रही है और इसी बीच यह एक दुखद खबर सामने आई है, क्या कुछ अपडेट है इस पर? जी बिल्कुल, ये ऊंचा कोतवाली क्षेत्र उस रैना गांव की घटना है जहाँ बुजुर्ग किसान रतिपाल जो है वो खेत गया हुआ था, तभी अचानक जो है तेज गड़गड़ाहट के साथ आकाशीय बिजली गिर गई और वो आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। बुजुर्ग किसान की मौत से जहाँ परिवार में कोहराम मच गया है, वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने जो है वो शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और राजस्व कर्मियों ने भी जो है किसान का पोस्टमार्टम होने के बाद जो है जल्द से जल्द जो है वो किसान दुर्घटना बीमा योजना के तहत उसको एक धनराशि दिलाने का आश्वासन भी दिया है। जी परिवार वालों के बीच उस बीच जो है किस तरीके का माहौल जो है बना हुआ है? जी बिल्कुल, रतिपाल की मुख्य आय का साधन खेती ही था और बुजुर्ग किसान की मौत से जो है परिवार पूरी तरह से गमजदा है और रो रो कर उनका बुरा हाल है और वो भी जो है आर्थिक मदद के लिए जो है वो सरकार की तरफ जो है आस लगाए हुए है। ठीक है ओमशंकर शुक्ला जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार के गोपालगंज में अपहरण हुए बच्चे को पुलिस ने यूपी से बरामद कर लिया है। आपको बताते चले कि बच्चे को शनिवार को उसकी मां को सौंप दिया गया था। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि यूपी के देवरिया का रहने वाला आरोपी युवक ने बच्चे की किडनैपिंग की थी और फिर रोती में 10 लाख रुपए की मांग की गई थी और उसने अपने भाई संग मिलकर इस पूरी प्लानिंग को किया था। आपको बताते चले कि यूपीएससी की तैयारी में जो युवक था वो लगा हुआ था और यूपीएससी की पढ़ाई में उसे पैसों की जरूरत पड़ रही थी और जिसके कारण उसने 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी, जिसमें कि उसने पहले बच्चे को जो है वो अपहरण उसका किया और जिसके बाद उसकी मां को संपर्क किया गया और उसके परिजनों से, यानी कि जिस बच्चे का अपहरण किया गया था उसके परिजनों से 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई। घटना फुलबरिया थाना क्षेत्र के नजीरवा कला गांव की बताई जा रही है, जहां पर किडनैपिंग के अगले दिन ही आरोपी ने बच्चे को छोड़ दिया और इसके बाद बच्चे ने वहां किसी के मोबाइल से घर पर फोन किया और जिसके बाद पुलिस उस तक पहुंच गई। आपको बताते चले कि गिरफ्तार आरोपी अमित को यूपी पुलिस ने की मदद से जो है पकड़ा गया। आपको बता दें कि उससे पूछताछ भी की जा रही है। बच्चे अनिश ने जानकारी देते हुए बताया कि वह स्कूल से आकर अपने घर के पास खेल रहा था, तभी बाइक सवार एक आदमी आया और वह पूरे तरीके से भीगा हुआ था और उसे ठंड भी लग रही थी। माँ उसे कपड़े जो है पूरे उसने मांगे तो माँ कपड़ा लाने चली गई और जिसके बाद उसने घात लगाए जो लोग थे उन्होंने बच्चे को जैसे तैसे उसका अपहरण कर लिया और जिसके बाद आपको बताते चले कि उसके द्वारा फिरौती की मांग की गई, जिसमें 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग आरोपी के द्वारा बच्चे के परिजनों से की गई। दिनांक 26/9/2024 को दोपहर में लगभग 3-4 बजे के आसपास एक सूचना मिला था कि फुलबरिया थाना अंतर्गत मजीरवा कला गांव से एक 8 साल के बालक को गायब कर दिया गया है और एक बाइक सवार व्यक्ति था जो उस घर में घुस करके और बच्चों को अपने साथ लेकर के चला गया था। कांड की गंभीरता को देखते हुए थाना अध्यक्ष के द्वारा स्वयं घटनास्थल पर तुरंत पहुंचते हुए सभी वरीय पदाधिकारी को सूचना दिया और इसके बाद में हम लोग के द्वारा एक टीम का गठन किया गया जिसका नेतृत्व एसडीपीओ फतुआ कर रहे थे और इसमें डीआईयू गोपालगंज की पूरी टीम, मीरगंज थाने के थानाध्यक्ष, विजयपुर के थानाध्यक्ष, हथुआ के कुछ लोग और बाकी हथुआ अनुमंडल के कुछ बाकी अन्य पदाधिकारी भी इसमें शामिल थे। इसमें 3-4 घंटे के बाद में एक रंगदारी इसमें एक उसका फिरौती का कॉल भी मांगा गया जिसमें 10 लाख रुपये की फिरौती की मांग की गई थी। हम लोगों ने लगातार इसमें अलग अलग टेक्निकल और मैनुअल इनपुट के आधार पे हम लोग जगह जगह पर छापेमारी कर रहे थे। हम लोगों ने 5 टीम इसमें बनाई थी, सारी टीम्स अलग अलग जगह पर, कुछ टीम यूपी में लगातार कैंप कर रही थी, कुछ हथुआ एरिया में जो संदिग्ध जगह थी वहाँ पर हम लोग कैंप करके और जो संदिग्ध लोग हैं उन पर छापेमारी कर रहे थे। उसी क्रम में हम लोगों ने आज उस बच्चे की बरामदगी की है और जो उसको साथ में लेकर के गया था और जो मेन व्यक्ति था अमित कुमार, उसकी हमने गिरफ्तारी की है। और इसमें घटना का कारण ये था कि इन लोगों को, ये जो लड़का है अमित कुमार, ये यूपीएससी की तैयारी करता था तो ये अपने भाई के साथ में मिलकर के प्लान किया था और इसको 10 यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत थी। उसी के क्रम में इसने इस बच्चे का किडनैप किया और फिरौती मांगी। इसमें हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट यूपी के देवरिया जिला की एसओजी टीम का मिला है। तो आपको बताते चले कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा था जो आरोपी युवक था और उसने पूरी प्लानिंग जो है अपने भाई के साथ मिलकर बनाई और जिसपे एक बच्चे का पहले अपहरण किया जाता है और उसके बाद उसके माता पिता को संपर्क किया गया जिसमें उनकी बात जो है जो बच्चा था उसकी माता से होती है और उनसे 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की जाती है। आपको बताते चले कि यह जो मामला है अपहरण का वो बीते 26 तारीख का बताया जा रहा है और जिसमें पुलिस ने 2 से 3 दिनों के बीच में इसमें सफलता हासिल की है और जिसमें पुलिस की सघन जांच और जो पूरे तरीके से टीमों का गठन किया गया था उनकी त्वरित कार्रवाई के चलते इस बच्चे को बचा लिया गया है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि जो अपहरणकर्ता थे उनके द्वारा इस बच्चे को स्वयं ही कल छोड़ दिया गया था और जिसके बाद आपको बता दें कि पुलिस के द्वारा जिस तरीके से लगातार टीमों का गठन किया गया था और कार्रवाई की जा रही थी तो उसमें सकुशल बच्चे को उसके
माता पिता को भी सुपुत्र कर दिया गया। आपको बताते चले कि इसमें जो सोचने वाली बात है वो यह है कि आरोपी जो युवक था उसने अपना जो गुनाह है वो कबूल कर लिया है और उसने यह भी बताया कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और उसके चलते उसे पैसों की जो है सख्त जरूरत है और जिसके चलते उसने ये अपहरण का प्लान जो है वो अपने भाई के साथ मिलकर बनाया। और हालांकि आपको बताते चले कि उसमें वह कामयाब नहीं हो पाया है और जिसके बाद पुलिस के द्वारा इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार के नवादा नगर थाना क्षेत्र के महुली गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को परोसे गए भोजन में मृत छिपकली मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बताते चले कि भोजन करने के बाद 14 बच्चे बीमार हो गए हैं और जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह घटना आंगनबाड़ी केंद्र के भोजन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। आंगनबाड़ी केंद्र महुली में छोटे बच्चों को पढ़ाई के बाद दोपहर के भोजन में खिचड़ी परोसी जाती है और जैसे ही बच्चों ने खाना शुरू किया उन्होंने थाली में एक मृत छिपकली देखी और जिसके बाद छिपकली के दिखने के बाद पूरे भोजन खाने वाले जो सभी बच्चे थे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और एक के बाद एक 14 बच्चों के हालत बेहद ही गंभीर हो गए। आपको बता दें कि बीमार बच्चों को तत्काल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार सभी बच्चे अभी खतरे से बाहर हैं और उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है, लेकिन जिस तरीके से परोसे गए भोजन में छिपकली मिली है तो इसमें कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी केंद्र पर और उनके स्वच्छता के साथ साथ भोजन बनाने की प्रक्रिया पर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार थाना इलाके के सहकारिता ऑफिस रण क्षेत्र में तब्दील हो गया जब सिलाव प्रखंड के महुरी गांव के पास पैक्स अध्यक्ष के नाम जोड़ने आए ग्रामीणों का आरोप है कि वर्तमान पैक्स अध्यक्ष के इशारे पर ग्रामीणों को गेट बंद कर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं आपको बताते चले कि घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे बिहार थाना अध्यक्ष ने जेडीयू नेता सह पैक्स अध्यक्ष बिगुल सिंह समेत 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है और जिन्हें हिरासत में लेने के बाद पुलिस के द्वारा उन्हें थाने ले जाया गया। आपको बताते चले कि जख्मी ग्रामीण गुलशन कुमार गुड्डू सिंह व अन्य ने बताया कि 30 सितंबर तक नाम जोड़वाने की अंतिम तारीख थी और इसी कारण करीब 1 दर्जन से अधिक लोग माहूरी पैक्स में नाम दर्ज कराने के लिए सहकारिता कार्यालय में गए थे और जहां पर पूर्व से बैठे वर्तमान पैक्स अध्यक्ष ने गाली गलौज करते हुए गेट को बंद कर ग्रामीणों के साथ जमकर मारपीट की गई। वहीं आपको बता दें कि थाना अध्यक्ष सम्राट दीपक ने बताया कि 3 लोगों को थाने में ले जाया गया है, मामले की छानबीन करी जा रही है और साथ ही साथ आवेदन मिलने पर विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के मतदान से पहले शनिवार को कुलगाम और कठुआ बिलावर इलाके में हुई 2 मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। आपको बता दें कि ऑपरेशन में 1 पुलिसकर्मी भी बलिदानी हो गए हैं और जबकि एसएसपी समेत 6 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं। कठुआ में अभियान जो है अभी भी फिलहाल जारी है जिसमें लगातार घाटी में सर्च ऑपरेशन पुलिसकर्मियों के साथ साथ सुरक्षा बलों के द्वारा किया जा रहा है और इसी मामले में जम्मू एडीजीपी आनंद जैन के द्वारा जानकारी दी गई कि हमें कल इस इलाके में आतंकवादियों के होने की सूचना मिली थी, सुरक्षा बलों के साथ मिलकर एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया और जिसमें मुठभेड़ में एक हेड कांस्टेबल बशीर अहमद ने अपनी जान गंवा दी है तो वहीं 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं और उनके हालात बेहद स्थिर बताए जा रहे हैं और अभी भी लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। इस इलाके में करीब 3 से 4 आतंकवादियों के होने की सूचना मिली थी और जिसके बाद लगातार अभी भी घाटी में जो सर्च ऑपरेशन है वो सुरक्षा बलों के द्वारा जारी है। आतंकवादियों के इस इलाके में होने की हमें सूचना मिली थी कल और इसके बाद एक ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लॉन्च किया गया इस इलाके में। जो ये विलेज कोग है, ये थाना बिलावर क्षेत्र में आता है और हमने इसका कॉर्डन ले किया था और इसमें जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है उसमें हेड कांस्टेबल बशीर अहमद की शहादत हुई है और हमारे एक DYSP और हमारे ASI नियाज को इंजरी हुई है जो कि स्टेबल है और अभी पूरे इलाके को कॉर्डन में लिया गया है और सर्च अभी जारी है। सर, कितने टेररिस्ट के इन्फॉर्मेशन थी? 3 से 4 आतंकवादियों की होने की सूचना थी इस इलाके में
और अभी इसके इसके लिए सर्च जारी है। ये फॉरेन टेररिस्ट माने जा रहे हैं? अभी इसकी सूचना फॉरेन टेररिस्ट की ही है और इसमें अभी जो सर्च है उसके बाद में ही हम फर्दर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।